বিসমিল্লাহ রহমান রহিম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়েলকাম টু ইয়ে ইংলিশ। হামারে মুলক মে কারি হজরাত জো মাশাআল্লাহ সে দূসরে মমালিক মে কুরআনে মজীদ কি তালিম অনলাইন দেনে পর মুকিম হ্যায়, কুছ হালাত এসে হোতে হ্যায় কি বচ্চোঁ কো পড়াতে ওয়াক্ত ইংলিশ জেসি জবান কা ইস্তেমাল করনে সে কাসির হ্যায় অর ইউ উনকো লাগতা হ্যায় কি আগর উনকো অনলাইন পড়হায়ে তো ফির উনকো ইংলিশ কা কায়দা ভি আনা চাহিয়ে। লেকিন এসা হরগিজ নাহি হ্যায়। আপ ইস মুফিদ কাম সে মাহরুম মত হো, পরেশান হোনে কি বাত নাহি হ্যায়, কিউকি ইয়ে সবক সির্ফ আপ জেসে মুখলিস লোগোঁ কে লিয়ে হ্যায় কি আপ মুকম্মল ইংলিশ জবান জো হ্যায় ও নাহি সিখিয়ে, বস চন্দ অঙ্গ্রেজি জবান কে জুমলে জো আপ কে লিয়ে পেশে খিদমত করতা চলুঁ। Let's get started. आओ शुरू करते हैं। इस सबक को पढ़ना शुरू करें। Start reading this lesson. Start reading this lesson. खामोशी से सुने। Listen quietly. Listen quietly. साथ साथ लिखो भी। Keep penning down. Penning down. नकल मत लगाओ। No cheating. इसमें आपका ही फायदा है। It would do you good. It would do you good. सफा नंबर 13 मुलाहजा करें। Be on page 13. Be on page 13. इसको लिख लें। Make this noted or note it down. जिसने कर लिया है वो जा सकते हैं। You can leave when you are done. When you are done. इस कायदे की मशक कर लें। Do exercise on this card. Do exercise on this card. इसको बार बार दोहराएं। Repeat it more and more times. Repeat it more and more times. इसको कलकला करके पढ़ें। Do kalkala here. और ये कलकला का साउंड क्या होता है ये आप उनको बता देंगे। आप मेरी आवाज़ पर गौर करें। Listen how I pronounce it. Listen how I pronounce it. Pronounce अदा करना। जैसा मैं पढ़ूं वैसा ही पढ़ें। रीड इट एज क्लियर एज आई डू। शाबाश, गुड वर्क। पढ़ते जाएं, गो अहेड। या फिर कीप रीडिंग, कीप रीडिंग, पढ़ते जाओ। इसको 5 बार पढ़ें। रीड इट 5 times। इसको 2 बार पढ़ें। रीड इट ट्वाइस। 3 बार थ्राइस। 4 times 4 times 5 बार 5 times 6 बार 6 times 1 बार वंस। इसको मोटा करके पढ़ें। प्रोनाउंस इन हेवी साउंड। इसका आवाज नाक से निकालें। पास द साउंड फ्रॉम द नोज या थ्रू द नोज। आपकी तैयारी ठीक नहीं हुई। योर प्रिपरेशन इज नॉट सेटिस्फाइंग और आई एम नॉट सेटिस्फाइड। बस आप ये भी कह सकते हैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड। लगता है आपने मश्क नहीं दोहराई। सीम्स यानी लगता है। सीम्स यू हैवंट प्रैक्टिस्ड इट। यू हैवंट प्रैक्टिस्ड इट। लगता है आपने इस पर तवज्जो नहीं दी। सीम्स यू हैवंट पेड अटेंशन। ये बुनियादी चीज है। दिस इज द की। अगर ये सबक आपको समझ आ गया, इफ यू गॉट दिस लेसन, इफ यू गॉट दिस लेसन, अगला सबक आपको आसान लगेगा। यू वुड फाइंड नेक्स्ट लेसन्स easier. You will find next lessons easier. देखो ऐसे आवाज निकालो। Look, sound like this. Sound like this.
मेरे साथ साथ पढ़ो, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। इन आवाज़ों में फ़र्क होता है, इन आवाज़ों में फ़र्क होता है, देयर्स डिफरेंस इन द साउंड्स। आप थोड़ा मुख्तलिफ पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग बिट डिफरेंट, यू आर रीडिंग बिट डिफरेंट। इस सबक को पढ़ना शुरू करें, स्टार्ट रीडिंग दिस लेसन। आप सीरियस नहीं ले रहे, यू नॉट टेकिंग इट सीरियसली, यू नॉट टेकिंग इट सीरियसली। आप समझ नहीं रहे, यू नॉट गेटिंग, यू आर नॉट गेटिंग। समझ आ रही है क्या? गॉट इट, गॉट दैट। समझ गए? गॉट इट। क्या मेरी आवाज सुन रहे हैं? कैन यू हियर, कैन यू हियर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डू यू हियर मी, डू यू हियर मी। दोबारा बोलिए, कम अगैन। क्या कहा? कम अगैन। फिर बोलिए, कम अगैन। आपको, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इन अदर वे यू कैन प्रोनाउंस इट लाइक दिस, यू कैन प्रोनाउंस इट इन अदर वे। शाबाश, ब्रावो, बिल्कुल ऐसे ही, लाइक दैट, लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही। क्या और भी सबक दूं या इतना काफ़ी है? नीड मोर और एनफ, नीड मोर और एनफ। आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा, इनफ फॉर टुडे। ये मशक कल आप करके लाएंगे, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज टुमारो। आज हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट टू प्रैक्टिस टुडे, व्हाट टू प्रैक्टिस टुडे। आप बहुत जल्दी सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग फास्ट। आप बहुत ज़हीन हो, यू आर सो स्मार्ट, यू आर सो स्मार्ट। आपने कर दिखाया, शाबाश, यू मेड इट, ब्रिलियंट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आपने प्रैक्टिस के ऊपर जोर देना हो तो आप कहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थोड़ा कर लो मगर साफ साफ, शॉर्ट बट क्लियर, शॉर्ट बट क्लियर। इस पर मेहनत करना होगी, इट नीड्स योर फोकस ऑन इट, इट नीड्स योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। ये मुश्किल नहीं है ज़्यादा, इट्स नॉट सो हार्ड। ये आसान नहीं है, इट्स नॉट सो ईजी। आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। आप नहीं कर सकते, यू कैंट डू इट। पढ़ते जाओ, कीप रीडिंग। कल क्या पढ़ा था? व्हाट डिड वी स्टडी लास्ट टाइम, व्हाट डिड वी स्टडी लास्ट टाइम। आज मैं दस्तयाब नहीं हूँ, आई एम नॉट अवेलेबल टुडे। आज क्लास नहीं होगी, नो क्लास फॉर टुडे। अच्छा बोलने के लिए गौर से सुना करें, लिसन अटेंटिवली टू बी अ गुड स्पीकर। आपका तो हाफजा गजब का है, यू हैव अ रिमार्केबल मेमोरी और एलोक्वेंस। मुझे याद दिला दीजिएगा, रिमाइंड मी ऑफ इट टुमारो। बाकी का कल कर लेंगे, विल डू द नेक्स्ट टुमारो। अगला सफ़ा खोलें, टर्न नेक्स्ट पेज। पिछले वाला सफ़ा निकालिए, गो लास्ट पेज। क्या तुमने इसको याद नहीं किया था? डिडंट यू प्रैक्टिस इट। अच्छा, सबक सुनाए, वेल स्टार्ट रीडिंग द लेसन। ये पढ़ेगा, बाकी सब सुनेंगे। ही विल रीड, रेस्ट ऑफ ऑल विल अटेंड। किसी भी वक्त आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो, फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग एनी टाइम। That's all for now. Thanks for being with the English. Good luck.